लखीमपुर खीरी में पत्रकारों को भी रोक दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने मीडिया से दूरी बना ली है क्योंकि लगातार इस मामले में मीडिया के द्वारा कवरेज की जा रही थी और अब प्रशासन की तरफ से उन पर रोक लगा दी गई है। मामले में मीडिया कवरेज के लिए जो है मनाही कर दी गई है। मीडिया संस्थानों की ओबी वैन को भी रोक दिया गया है, यानी कि अभी तक केवल विपक्ष के प्रवेश पर बाधित किया जा रहा था, उन्हें रोका जा रहा था और अब जो है मीडिया भी नहीं जाएगी। इंटरनेट सेवा पहले से ही जो है बंद चल रही है। मीडिया कवरेज के लिए भी इनकार कर दिया गया है। प्रशासन ने मीडिया पर रोक लगा दी है, यानी कि अब ये पूरी तस्वीर कुछ उसी तरीके से बनती नजर आ रही है जैसे पहले मामलों में देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा राजनीति होती नजर आती है, विपक्ष आक्रामक होती नजर आती, तो उस दरमियान फारूक हुसैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ हालात है, क्योंकि अभी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि पहले विपक्ष को रोका जा रहा था और अब मीडिया संस्थानें भी जो हैं, मीडिया जो है वो भी कवरेज नहीं करेगी इस पूरे मामले का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालात यहाँ के नजर आ रहे हैं काफी गंभीर हो चुके हैं। जगह जगह किसान प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के हिंसात्मक रवैये के दौरान एक हमारे पत्रकार शहीद हो गए हैं जिसका नाम रमन कश्यप बताया जा रहा है, जो कि तहसील रिपोर्टर साधना प्लस का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल फारूक, अभी और क्या कुछ हालात है, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से लखीमपुर पहुंच पाए। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से हालात है, कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी कर चुका है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात है, लेकिन जो अगर हम अपोजिट पार्टियों की बात करें तो वहां पर उनको रोका जा रहा है कि जहां पर ये घटना हुई है वहां वो ना पहुंच सके, जिससे कि हालात और ज्यादा बिगड़ सके। लेकिन अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया के लिए भी लगातार रवैया उनका आक्रोश में है और मीडिया के खिलाफ भी लगातार किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया में भी उनको कमी नजर आ रही है। जी बिल्कुल फारूक, अगर मैं अपने मीडिया साथी की बात करूं तो क्या हिंसा जो ये पूरी घटनाक्रम हुई है उस दरमियान उनकी जो है मौत हुई है या फिर कोई और कारण है उनके निधन का? साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।